हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए फिर से चर्चा करने वाला हूँ VLS फाइनेंस लिमिटेड पे। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। VLS फाइनेंस लिमिटेड, जिसका कि शेयर प्राइस 241.15 रुपया है, google.com वेबसाइट पे। अब देखते हैं bseindia.com वेबसाइट पे 5 जून 2024 16:00 बजे का अपडेट है। VLS फाइनेंस लिमिटेड 242.25 रुपया शेयर प्राइस, जो कि आज के दिन 4.30 रुपया ऊपर की तरफ बढ़ी है शेयर की प्राइस। bseindia.com वेबसाइट का नाम है, इस पे डिलीवरी पोजीशन यानी कि BSE पर इस शेयर का डिलीवरी पोजीशन इस प्रकार है। क्वांटिटी ट्रेडेड 5,977, डिलीवरी में उठाया गया 3,198, परसेंटेज रहा 53.51%, जो कि औसतन ठीक है। यहाँ पर जैसा कि न्यूज दिख रहा है 31/5/2024 का ही है लास्ट अपडेट न्यूज, लॉस ऑफ सर्टिफिकेट एंड डुप्लीकेट सर्टिफिकेट से संबंधित। अब एक नज़र डालते हैं nseindia.com वेबसाइट पे, तो यहाँ पर VLS फाइनेंस लिमिटेड का शेयर प्राइस 241.15 रुपया शो हो रहा है। प्रीवियस क्लोज 238.10 रुपया, ओपन हुआ 238.70 रुपया पे, हाई बनाया 243.85 रुपया और लो 234 रुपया। क्वार्टरली रिजल्ट के अनुसार 31 मार्च 2024 का रिजल्ट, टोटल इनकम इस शेयर का रहा 99.94 करोड़ और नेट प्रॉफिट 74.17 करोड़, अर्निंग पर शेयर रहा 21.28 रुपया। अब इस शेयर के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल करते हैं screener.in वेबसाइट पे, जहाँ पर कि इस शेयर का शेयर प्राइस 242 रुपया, मार्केट कैप 842 करोड़ का, स्टॉक पी 2.60, ROC 14.1% और ROE 11.8%, ROC और ROE औसतन ठीक है। बुक वैल्यू 857 रुपया और करेंट प्राइस 242 रुपया, तो अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे में ट्रेड कर रही है अभी भी ये शेयर, तो इस शेयर को ऊपर की ओर जाने में सुविधा होगी मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। 52 का हाई लो इस शेयर का प्राइस तो 322 रुपया और 146 रुपया, डिविडेंड यील्ड 0.62%, फेस वैल्यू 10 रुपया। तो 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर है ये। इस शेयर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। VLS फाइनेंस लिमिटेड मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं के व्यवसाय में लगी हुई है, जिसमें एसेट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, आर्बिट्रेज और अन्य क्षेत्रों में प्रमुख उपस्थिति है। ये चार्ट 1 ईयर का प्राइस चार्ट है। इस चार्ट को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि अब इसमें अप ट्रेंड बन चुकी है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। मेरे आइडिया अनुसार इस शेयर में बहुत जल्दी ये शेयर अपना टारगेट अचीव करेगा 300 के ऊपर, लगभग 1 से 2 महीना के अंदर अंदर में, उतना दिन भी नहीं लग सकता है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार करें दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। इस शेयर में प्रोज 5 और कॉन्स 2 है, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है। वीडियो को पॉज करके इसको समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। पीयर कंपैरिजन के मामले में ये शेयर 8वें नंबर का कंपनी है, जिसका कि PE 2.60 है। बाकी सभी शेयरों से इसका PE काफ़ी लो है, तो
इस शेयर के प्राइस में अप ट्रेंड बनने की उम्मीद ज़्यादा ही लगाया जा सकता है। एक नज़र इस शेयर के क्वार्टरली रिजल्ट पर ध्यान देंगे, जो कि मार्च 2024 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कि सेल्स 98 करोड़ का, एक्सपेंस मात्र 7 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर की अपेक्षा 1 करोड़ की अधिक एक्सपेंस हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 91 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 92%, अदर इनकम 2 करोड़ का, डिप्रिसिएशन 2 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 91 करोड़, नेट प्रॉफिट 74 करोड़ का है, जिसके वजह से EPS 21 रुपया 28 पैसा, पिछले क्वार्टर की अपेक्षा कुछ कम EPS रहा है, बट बहुत अच्छा है ऐसे टाइम के लिए इस शेयर का EPS। मार्च 2024 यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो सेल्स 407 करोड़ का मार्च 2024 का, और एक्सपेंस मात्र 26 करोड़ का, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा 381 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 386 करोड़, नेट प्रॉफिट 324 करोड़, जिसके वजह से EPS 93 रुपया 21 पैसा, डिविडेंड पे आउट 3% का है। तो यहाँ पर भी देखने से ऐसा लग रहा है कि इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा, यानी कि इस शेयर से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाया जा सकता है पैसा बनाने के लिए। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें। दोस्तों एक नज़र डालते हैं बैलेंस शीट पर। इक्विटी कैपिटल मार्च 2024 के अनुसार 35 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में 2948 करोड़ का हो चुका है, ब्रोइंग कुछ भी नहीं है, यानी कि डेब्ट फ्री कंपनी है, अदर लाइबिलिटीज 570 करोड़ का है, टोटल लाइबिलिटीज 3552 करोड़ का, फिक्स एसेट इसके पास में 130 करोड़ का है, ये भी प्लस पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट 3158 करोड़ का हो चुका है, जो कि इससे पहले था 2751 करोड़ का, टोटल एसेट में भी वृद्धि हुई है, जहां पर ये 3063 करोड़ का था वहीं पे अब 3552 करोड़ का टोटल एसेट हो चुका है। तो ये भी प्लस पॉइंट है इस शेयर के अप ट्रेंड होने की, यानी कि इस शेयर में अप ट्रेंड बनने के लिए। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं मार्च 2024 के अनुसार, तो प्रमोटर के पास में 50.85% है, FIH के पास में 0.74%, DIH के पास में 0.03%, पब्लिक के पास में 48.39%, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 27,480, यानी कि 27,480 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, यानी कि इन्वेस्टरों की संख्या इस शेयर में 27,480 है, जो कि जून 2021 में 24,789 था। तो इन्वेस्टरों का इस शेयर के प्रति रुझान बढ़ा है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इसका इनकम भी सही है और इसके पास में रिजर्व भी अच्छा खासा है और इसका बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे में ट्रेड कर रही है इस शेयर का प्राइस। इस जगह पे हम लोगों को 50 मिनट देख सकते हैं, जो कि 50 मिनट पहले का न्यूज दिख रहा है। इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन 2015 रिगार्डिंग रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम सेबी फॉर सरेंडर ऑफ रजिस्ट्रेशन एज मर्चेंट बैंकर बाय VLS सिक्योरिटीज लिमिटेड होली ऑनेड सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी। देख सकते हैं इस शेयर का न्यूज 5 जून 2024 लिस्निंग डिपार्टमेंट BSE लिमिटेड फिरोज जीजी वोए टावर्स दलाल स्ट्रीट मुंबई 400001 VLS फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। सब्जेक्ट इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी लिस्निंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015। डियर सर मैडम,
फर्दर टू आवर लेटर डेटेड 13th February 2024, इंटर आलिया इन्फॉर्मिंग दैट VLS सिक्योरिटीज लिमिटेड ओली ऑन एट सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी हैड प्रोसीडिंग विथ सरेंडर ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन एज मर्चेंट बैंकर द सैड सब्सिडियरी वाइड लेटर डेटेड 4/6/2024 यानी कि 4/6/2024 हैज इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ सरेंडर ऑफ रजिस्ट्रेशन एज मर्चेंट बैंकर फ्रॉम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी फर्दर द क्लोजर ऑफ सेड एक्टिविटी विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द प्रजेंट ऑपरेशंस परफॉर्मेंस ऑफ सेड सब्सिडियरी काइंडली एक्नॉलेज द रिसिप्ट थैंकिंग यू फॉर VLS फाइनेंस लिमिटेड हर्ष कौंसल। जैसा कि हिंदी में देख सकते हैं हमारे दिनांक 13 फरवरी 2024 के पत्र में अन्य बातों के साथ साथ यह सूचित करते हुए कि कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी VLS सिक्योरिटीज लिमिटेड ने मर्चेंट बैंकर के रूप में अपना पंजीकरण सरेंडर कर दिया है, उक्त सहायक कंपनी ने पत्र दिनांक 4/6/2024 के माध्यम से रसीद के संबंध में सूचित किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी से मर्चेंट बैंकर के रूप में पंजीकरण के समर्पण की मंजूरी उक्त गतिविधि के बंद होने से वर्तमान परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऐसा इस कंपनी का कहना है। बाकी इस शेयर पे भी इस न्यूज का प्रभाव थोड़ा न थोड़ा देखने को पक्का मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों, क्योंकि पैसा आपका है, उसको कहां पर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है ये आपको सोचना है। किसी का वीडियो देख करके या किसी के समझाने से या किसी के बोलने से आप अपने पैसे को यूं ही कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें या बर्बाद ना करें। पूरी जानकारी हासिल करने के बाद में ही अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें या कहीं पर लगाएं, ताकि प्रॉफिट और लॉस की भागीदारी खुद को ही बाद में समझें। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।